शोकन डायरी फार्म देख रहे सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। भाई आज हम पहुंचे हैं गांव कमास खेड़ा में दूध फौजी डायरी फार्म पर। तो भाई साहब को आप कैमरे पर देख पा रहे हैं, आज आपको दो भैंसे दिखाएंगे सेल के लिए, भाई साहब के पास अवेलेबल हैं। सभी पशुपालक भाई वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। राम राम फौजी साहब। राम राम भाई साहब। और भाई साहब बढ़िया है? बढ़िया प्रदीप, ठीक आप भी? बढ़िया भाई साहब। एक बार दर्शकों राम राम कर दो, सभी दर्शकों आज जुड़कर राम राम भाई जी। भाई साहब तो आज कितनी जोटी है सेल के लिए? आज दो हम भाई साहब अपने। अच्छा जी, दो ही अपने पास आज जी साहब। तो सबसे पहले एक बार अपना पूरा एड्रेस बताओ और मोबाइल नंबर। विनोद फौजी जी, गाँव कमासखेड़ा, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। अच्छा, जुलाना से कितने किलोमीटर पड़ेगा जी? 5 किलोमीटर पड़ जाता है भाई साहब। अच्छा, जुलाना से 5 किलोमीटर दूर अपना डेयरी फार्म है जी साहब। जी भाई साहब, तो पहले नंबर पे इसकी डिटेल बताएं। ये सेकंड टाइम जोटी है प्रदीप। सेकंड टाइमर। तो देखो भाई, सेकंड टाइमर है, सींग देख सकते हो शरीर पर जचने वाला है सींग पूरा, और थोड़ा सा खुला जरूर है लेकिन शरीर पर जच रहा है सींग। तो देखो जी क्वालिटी और डिटेल बताएं जिसकी। ये अभी फिलहाल 10 दिन की ब्याई होगी भाई प्रदीप। अच्छा, 10 दिन की ब्याई होगी है। 16 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, 16 लीटर दूध तैयार है, ठीक है जी भाई साहब। 15 का कोई कांटा करवाना चाहे तो वो भी करवा देंगे। अच्छा, कांटे का तोल 15 किलो तोल का दे देंगे जी साहब। जी भाई साहब, और 10 दिन की ब्याई होगी है। आज ये मेले से भी लगी। अच्छा, मेले से लगी तो फिर चलेगी दूध पर? तो फिर तो कम से कम 18 से 19 लीटर की उम्मीद मान है भाई। खरकी ने 17 लीटर दूध निकाला है। अच्छा, खरकी ने 17 लीटर निकाल लिया है। क्वालिटी दिखाऊंगा अपना, थोड़ी खोल कर दिखाओ जी एक बार। तो देखो भाई ऑर्डर पर नशे देखो साफ साफ, बिल्कुल बहुत बड़ी ऑर्डर क्वालिटी की अपना दिखाओगे। तो देखो जी उस साइड में ले जाए थोड़ा। तो भाई 15-16 किलो दूध आज मौके पर तैयार है, बिल्कुल तोल कर ले जाओ। पर चौहाई किसी फुद साहब? चौहाई बहुत बड़ी है भाई साहब प्रदीप, अगाड़ी है 3 लीटर की। अच्छा, 3 लीटर की गाड़ी है जी साहब। तो देखो जी अल्ट्रा क्वालिटी एक बार और घुमा दे, थोड़ा दिखाएंगे दोबारा भाई। फुल हाइट लेंथ की है, बढ़िया। तो देखो क्वालिटी आप देख सकते हो, और पतली चमड़ी की है, बढ़िया क्वालिटी। तो देखिए मैला देख सकते हो भाई, अभी चल रही है मैला पे। तो मैला पर चलिए और भी दूध आगे चल रहा है। कितना उम्मीद है, कितना दूध निकाल देगी भाई? उम्मीद भाई 18 से 19 लीटर की उम्मीद मान रखा, हो सकता है 20 भी क्रॉस कर दे। अच्छा, 18-20 तक की उम्मीद है जी साहब, क्योंकि मैले पर चली है तो वह दूध तो भी चलेगी। और नीचे क्या है इसका? नीचे कटड़ी है भाई साहब। अच्छा, फीमेल का आप साथ में है? तो ये वाली जी, तो देखो भाई ये फीमेल काफ इसके साथ में है। थोड़ा खड़े करिए बच्चा ने एक बार। 10 दिन की ब्याई होगी है? हाँ, 10 दिन की होगी भाई साहब। देखो भाई साहब तो बहुत बढ़िया कटड़ी साथ में है। तो देखिए क्वालिटी इसकी, तो भाई जो अपना देसी गाय का कटड़ी है साथ में, बढ़िया कटड़ी तैयार हो जाए। देखो भाई साहब इसका रेट बताएं। इसका 1,30,000 रुपये रखे हैं भाई साहब। अच्छा, कोई गुंजाइश थोड़ी बहुत भाई? भाई साहब वैसे तो गुंजाइश की जगह छोटी नहीं। हाँ, रेट क्योंकि दूध तैयार है भाई साहब। और ठहरा ठहरा गुंजाइश किसी भाई के लिए कर देंगे। हाँ, जगह को भाई दूर तावा है तो थोड़ी बहुत मान सम्मान वाली बात हो तो बिल्कुल बिल्कुल। नंबर वाली की बताएं डिटेल एक बार। ये तीसरा टाइम की जोड़ती है भाई साहब। अच्छा, थर्ड टाइमर है? हाँ। अच्छा जी, ये 4 दिन की ब्याई हुई है, 11 लीटर दूध तैयार है। 4 दिन की ब्याई है और 11 लीटर तैयार है। खाली 11 से चली है। अच्छा, खाली 11 से चली है। तो देखो भाई, और सुबह का टाइम है देख सकते हो आप, तो इस करके ऐसा नहीं कि कोई दूध का जोर है, तो नेचुरल क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा चलाओ जी। तो देखो अंडर क्वालिटी, बढ़िया मूठिया थाना है भाई। थर्ड टाइमर है और अच्छी हाइट लेंथ की, आराम से कच्चा में ले जाओ एक बार। तो ये देखो सींग, थोड़ा जो देसी सींग कह सकते हैं भाई, सींग है ऐसा नहीं, तो बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं है रोटी में, ले जाओ आराम से वापिस। तो देखो, और इससे कितनी उम्मीद है भाई, कितना निकाल दिए भाई साहब? ये सेकंड टाइम में खांडा गांव से ली है, 16 लीटर निकाला रखे भाई। सेकंड टाइम में डिटेल इसकी कि 16 लीटर निकाल लिया है, तो की बार 17-18 तो निकालना चाहिए भाई जी। हाँ, 11 तक खाली हुई है तो 17-18 तक जानी चाहिए जी सर। जी भाई साहब, और कटड़ी इसकी साथ में कटड़ी है ये। अच्छा जी, चौहाई की भी बहुत बढ़िया, चौहाई की बहुत बढ़िया। अच्छा, तो देखो भाई चौहाई की अपनी तसल्ली कर सको जी अपना डेयरी फार्म पा करना। तो देखो कटड़ी साथ में ये है और ताज़ी ब्याई, तो नीचे तो आपने दिखा भी जमा है। तो देखो बिल्कुल 3 से 4 दिन की ब्याई है और 11 किलो से खाली हुई है। तो फौज साहब इसका रेट? इसका 1,15,000 रुपये रखे हैं। अच्छा, 1,15,000 रुपये जी सर। देखो जी, कोई गुंजाइश है कि इसमें कुछ भाई? देखो कोई भाई दूर से आएगा 1,500 की कोई बात नहीं है। हाँ, और देखो 11 किलो से आपने बताया कि खाली हुई है जी सर, तो रेट भी जायज जिस हिसाब से। तो देखो दूध बढ़िया चलेगी तो आगे भी। दूध वाले पशु के तो हर जगह रेट लगाने पड़ते हैं। हाँ, रेट तो लगाना पड़ेगा जी, कहीं से भी आप ले लो। मैंने फौज साहब बताया था कि सुबह का टाइम है, देखो शाम होते होते ऑर्डर क्वालिटी और बढ़िया तैयार होती है। ये तो आए भाई टाइम पर भर जाता है। हाँ, भरने के बाद खाली है इसलिए समझ में भी कम आएगा। हाँ, थोड़ा मैंने आप दूर से आए थे इसलिए सुबह बनवा लेते हैं। हाँ, तो सुबह का टाइम है भाई, सुबह वीडियो कवर करी है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली कर सको अपनी सफाई कर करना, ठीक है फौज साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। तो भाई सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने ज़्यादा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में उसको भेजें। सभी पशुपालक भाइयों का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता की।